तायमी, तायमी क्या हुआ? आप संभालें अपने आप को, आप क्यों उठी हैं बेड से? मैं ठीक हूँ बेटा, ये डॉक्टर तो बस ऐसे ही हौलाते हैं। यहाँ बैठे। ईशर को छोड़ने गई थी और आप उठ गई बेड से, चोट लग जाती तो? कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता। सलाम अलैकुम माँ। वालेकुम सलाम। आज तुम दोनों को सुबह ही सुबह साथ देख के अच्छा लग रहा है। जी, हमने सोचा कि आज मिलकर नाश्ता करते हैं, और वैसे भी आपका बेटा मुझे इतने ताने मारता रहता है हर वक्त कि मैंने निजाम खराब कर दिया है घर का। कैसी बहू लेकर आई है माँ, सोती रहती है हर वक्त। अरे बेटा, मेरी बहू को ऐसे मत कहो, देखो दिलनशीन सास बन रहा है तुम्हारी। लेकिन मैं इनकी कोई बात नहीं सुनने वाली। जब मेरी सास मुझे बातें नहीं सुनाती तो फिर मैं इनकी बात क्यों सुनूं? तुम चाहती हो मैं जालिम शोहर बन जाऊं? अरे बेटा, तुम जालिम शोहर बन ही नहीं सकते। अल्लाह जन्नत नसीब करे तुम्हारे अब्बा को, बहुत नर्म दिल के थे, गुस्सा तो था ही नहीं उनमें। अच्छा, बाबा की तारीफें सुनता रहूंगा या नाश्ता भी करेंगे हम लोग? चलो बेटा। या अरे भाई, भाई मैं तो अपनी बहू का हाथ पकड़ के चलूं। ये लीजिए। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, थोड़ी एसिडिटी हो गई है। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया आपने मुझे? बच्चा नहीं, I'll be fine। बच्चा नहीं? कहाँ जा रही हो? एक मिनट, आ रही हूँ। देखें, खाना छोड़ के चली। बेटा करने दो, तुम्हारी खिदमत कर रही है, ख्याल कर रही है, अच्छी बात है। चल, शाबाश, ये पी रहे हैं तो अभी एसिडिटी ठीक। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, इसका टेस्ट बहुत बुरा लगता है मुझे। अरे क्या हो गया, टेस्ट बुरा है तो तबीयत तो ठीक हो जाएगी ना आपकी, है ना अम्मी? हाँ बेटा, पियो, पी लो। चले, शाबाश, जल्दी से बिस्मिल्लाह, अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी। गुड बॉय। एक मिनट। अच्छा है भाई, तुम्हारे फायदे के लिए। माँ आप नाश्ता कीजिए। हाँ हाँ, मैं कर रही हूँ। तुम डैड की गाड़ी का? जी बेगम साहिबा और रिजा भी गए उस पर। कहाँ गए? ऑफिस ही गए। चाबी। तो मुझे टफ टाइम देना चाहती है। मेरी जगह भी बैठ गई आप? नहीं, मैं अपनी शौहर की जगह पे बैठी हूँ, और ये जगह मेरे शौहर ने बहुत मेहनत से बनाई है। मेरा कोई हक नहीं है इसकी? नहीं बेटा, तुम्हारा हक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारा नहीं है। हम्म,
क्यों कर रही हैं आप ऐसे? जानती हैं ना कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ उससे, जानती हैं ना? कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं आपकी सगी औलाद ही नहीं हूँ, पर आपकी वजह से छिन गई है वो मुझसे, आपकी वजह से। अगर तुम मेरी सगी औलाद ना होते ना, तो मैं कभी भी तुम्हें इस जलती हुई आग में नहीं फेंकती। मैं तो राजी थी तुम्हारे डिसीजन से, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी किस्मत ने साथ ही नहीं दिया। और अब अगर तुम उसके पीछे जो जा रहे हो ना, वो महज तुम्हारी जिद है और बस। प्यार करता हूं मैं उससे, जिद नहीं है वो मेरी। बीवी है वो किसी और की, उससे पहले मेरी मोहब्बत है। दिस इज अगेंस्ट एथिक्स कि तुम किसी और की बीवी से अफेयर चलाओ। और तुम्हें शादी करनी है ना तो करो, लेकिन इसके बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। बाप की दौलत पे पल करे लड़के रिश्तों करते हैं, तुम भी अपने पांव पे खड़े हो, फिर प्यार करो, घर बसाओ। लेकिन एक बात है, हमारे घराने का उसूल नहीं है किसी और की बहू को अपनी बहू बनाना। आप कभी भी मेरी शादी नहीं करना चाहती थी, है ना? इससे इनकार नहीं करूंगी। अब तुम जाओ, मैं तुम्हारा कमरा तैयार करवाती हूँ। लेकिन एक बात का ख्याल रख, कोई भी बड़ा डिसीजन या कोई भी चेक मेरी इजाजत के बगैर साइन नहीं होंगे। You know what? मुझे आप लोगों के साथ काम ही नहीं करना। ठीक है, रुको। तुम जिसकी खातिर अपना सब कुछ बर्बाद करने पे लगे हुए हो ना, उसकी अपने शौहर से दोस्ती हो गई है, यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे नहीं पता रात को क्या खिचड़ी पकी, सुबह तो शोहर का हाथ ही नहीं छोड़ रही थी, और तो और दवा भी अपने हाथ। बस ये महमल, ये वैसे ही दिलनशीन की दुश्मन है, सो डोंट वरी। हाँ, ये भी उसी ने कहा होगा तुमसे। तो क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क, बहुत पड़ता है। वो चाहती ही नहीं है कि तुम्हें पता चले कि वो अपने शोहर के साथ कितनी खुशगवार जिंदगी गुजार रही है, और अगर तुम्हें पता भी चल जाए तो वो चाहती है कि तुम उसका यकीन नहीं करो। ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठ बोल रही है। Forget it now. रिदा, फाइल लेकर आओ तुम मेरे पास। अच्छी तरह पढ़ लो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना तो अपने मामू के साथ जाके डिस्कस कर लेना, ओके? मामा, I got an idea. हाँ बोलो। आज तुम दोनों को सुबह ही सुबह साथ देख के अच्छा लग रहा है। बच्चा नहीं, I'll be fine. बच्चा नहीं। कहाँ जा रही हो? 20 मिनट आ रही हूँ। देखें, खाना छोड़ के चली। बेटा करने दो, तुम्हारी खिदमत कर रही है, ख्याल कर रही है, अच्छी बात है। चलाक और मकार है आप दायमी, खिदमतें करूं मैं और आप जान दें अपनी उस आवारा बहू पे। और वो हैदर बिल्कुल ठीक करती है दिलनशीन जो जूते की नोक पे रखती है उसे, जब दिल चाहता है मिलने चली जाती है अपने लवर को।
और जब दिल चाहता है दवा पिला देती है। अब तो तड़पता भी रहेगा ना, तब भी मैं मरहम रखने वाली हूँ। कुछ औरतों को आता है महबूब को भी पीछे लगा के रखना और बेवकूफ कावन को भी अपने पीछे लगा के रखना। तो अपनी बेवकूफी की वजह से खुद ही बर्बाद हो गई, अपनी मोहब्बत भी गवा दी और शौहर भी, अपना घर भी, और यहां पड़ी जूतियां झाड़ रही। लेवल बिल्कुल नॉर्मल है आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। यही तो मैं कह रही हूँ, सब कुछ ठीक है, बस ये चक्कर रुक जाए। खामा खा ले जाके उन मशीनों में लिटा के परेशान किया। हाँ, एक ये वाली और ये लाल वाली, ये सुबह दो। ठीक है, काम मेरा कर दो बेटा, जरा सारा से फोन करके कहो कि माँ तुम्हें बुला रही है, एक चक्कर लगा लो। मुझे तो फोन देखते ही चक्कर आने शुरू हो जाते। कॉल करके आती। क्या बात है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशान। You know what? हैदर इसी लायक था कि उसे तुम जैसी लड़की मिले। ताई अम्मी मैं अंदर आ जाऊं? अरे हाँ बेटा, जरूर आ जाओ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैं
अब आपकी बहू आपका ख्याल रख रही है ना, तो मुझे लगा शायद मेरी जरूरत ना। ठीक कह रही हो, लेकिन तुम भी तो हमारी बेटी हो। क्या मुसीबत है हमजा? तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या मुसीबत है? लगता है अभी तक तुम्हारी नाक पे नशा चिपका हुआ है। तुम्हारी ही दीवी सौगात है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि नशा करो। अच्छा, तो आप उसमें बहुत कीड़े नजर आ रहे हैं। लगता है घर से थोड़ी बहुत इज्जत मिल गई है। वो बेइज्जत इंसान नहीं है। इज्जत देना और लेना दोनों जानते हैं, इसलिए बात बात पे दो टकेगा करता है। जब इंसान की गलती हो ना, तो उस पर दो टकेगा करना बनता है। चलो, तुमने ये तो माना कि मेरे इश्क में तुमने बहुत सारी गलतियां की हैं। चॉइस गलत है मेरी। अच्छा, तो अब मैं गलत हो गया। मैं गलत हूं। जो शख्स तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने पे तैयार हो जाए वो गलत है। ये देखो, ये देखो, यहां पे मैं तुम्हारी वजह से आया हूं क्योंकि मैंने तुम्हें अपनाने का फैसला किया। तुम कह रही हो कि मैं गलत हूं, तो क्या इस बात का गुस्सा तुम मेरे ऊपर उतार रहे हो? मैं गुस्सा नहीं उतार रहा हूं दिलनशी, गुस्सा नहीं उतार रहा, मैं तड़प रहा हूं। तुम्हें हासिल करने के लिए तड़प रहा हूं। कभी तुमने सोचा है? सोचा कि मुझ पे क्या पीती होगी जब तुम उसके साथ होती हो? हमजा प्लीज, मजबूरी है मेरी। छोड़ो, ये बताओ कि डाइवोर्स की बात की, क्या कहा उसने? क्या कहता है, कब देगा? थोड़ा टाइम मांगा है। क्यों? मैं जो करना है तुम कर लेना, बस एक तो मां की रहते तो मुझे। बीवी होने के नाते ना सही, एक इंसान होने के नाते तो ये कर सकती हूं। दिलनशीन, मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्यों वक्त मांगा है उसने? मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसका इरादा बदल गया है। वो तुम्हें अपने साथ बांध के रखना चाहता है। क्यों वक्त मांगा है उसने? तुमने पूछा उससे? पूछा तुमने उससे? हमजा, मुझे नहीं पता और ना ही मैंने पूछा है। तुम क्या कर रही हो तनुषी? तुम मुझे धोखा दे रही हो। वैसे भी मैंने सुना कि आज तुमने अपने हाथ से उसे दवाई पिलाई थी। वो अच्छा, इसका मतलब महमल फिर से आके हो गई? नहीं, इसका मतलब है मैंने ठीक सुना है। दिलनशीन, एक बात याद रखना कि अगर इस बार तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं वाकई अपनी जान ले लूंगा। एक बात याद रखना कि अगर इस बार तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं वाकई अपनी जान ले लूंगा। अम्मी खाना नहीं खाएंगे क्या? क्या हुआ, बात हुई है घर? अम्मी रात को जल्दी सो जाती हैं, नाश्ता मुझसे पहले कर लेती हैं। तुम्हारा मुंह भी उतरा हुआ है आजकल, क्या हुआ बताओ मुझे। कुछ नहीं,
तुम बोल कुछ और रही हो, तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा है। बताओ मुझे क्या हुआ? क्या बताऊं? कि आपकी बहन दोबारा गलत रास्ते पे चल पड़ी है। अपने शौहर के होते हुए पुराने रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रही है। हमजा से अपने मरासिम बहाल कर लिए दोबारा। तुम्हारे मुंह में जो आ रहा है बोले चली जा रही हो, पता भी है तुम क्या कह रही हो? रिदा आई थी, हमजा की बहन। याद है मुझे, इतनी कमजोर याददाश्त नहीं है मेरी। क्यों आई थी? बताने आई थी कि दिल नशी उसके भाई हमजा की जिंदगी में दोबारा दाखिल हो गई। और हैदर, उसे पता है इस बारे में? कैसी बातें कर रहे हैं आप यावर? शौहर है उसका, नहीं पता होगा? वैसे भी बीवी अपने शौहर के होते हुए कहीं और मसरूफ रहे तो वो लायल नहीं रहता। ये कैसी आजमाइश है, कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इस लड़की ने। किस गुनाह की सजा है ये लड़की, किस गुनाह की? खाना खाने ठंडा हो रहा। क्या खाना खाऊं मैं? देखो कुलसुम, मेरा मशवरा तो यही है, जवान बच्चा है, जिद ना करो तो बेहतर। हारून, मैं जिद कहाँ कर रही हूँ? जिद तो वो कर रहा है। आप खुद ही बताएं, मैं किसी की बीवी को अपने घर की बहू कैसे बना लूं? जानती हूँ, माँ हूँ, मोहब्बत भी बहुत करती हूँ। अब तो अकेली हूँ, जाती भी चला गया और स्ट्रेंथ भी। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी घर की इज्जत, अपना बिजनेस किसी कमजोर आशिक के हवाले कर दूं। नहीं, अगर सुधरता है तो सब कुछ उसका है, अगर नहीं तो अपने फैसलों को निभाना सीखे। सब कुछ उसी को मिलेगा जो उसकी इज्जत रखेगा।
एक बार फिर सोच लो कुलसुम, जवान खून कुछ भी कर सकता है। रो चुकी हूं मैं, उसके अफेयर ने मुझे और सादिक को खून के आंसू रुलाया, एक दिन भी सुकून का नहीं मिला, सबर कर लिया मैंने बस। तो मेरी बच्ची की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही? हारून, मैं आपसे वादा करती हूँ, जब तक वो खुद इस शादी के लिए नहीं कहेगा, मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ नहीं मांगूंगी। वो तो कभी भी नहीं कहेगी। तो फिर मैं भी वो नहीं कहूंगी जो वो सुनना चाहता है। लो बेटा। जी मैम। अरे दिलनशीन आओ बेटा, तुम्हारे भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक। तुमने बताया नहीं कि आंटी की तबीयत खराब? अरे बेटा अब तो मैं अच्छी हो गई हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बस इसीलिए नहीं बताया। तो फिर भी बताना चाहिए था तुम। ठीक, हम रिश्तेदार हैं आपके और ये रिश्ता हमें भी बहुत अजीज है। ये तो तुम्हारा बड़ापन है बेटा, वरना सच पूछो तो हमसे भी कुछ कोताहियां हो गई। अरे बाज कोताहियां इंसानों का हक होती है, और यह हक मैं सिर्फ आपको दे रहा हूं कि जब कभी भी आपको मेरी बहन से कोई शिकायत हो, आप सिर्फ मुझे बताइएगा, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, फिर आप देखिएगा कैसे सीधा करता हूं इसे। अरे नहीं नहीं भाई, मेरी बहू तो बहुत प्यारी है, लाखों में एक। जिस तरह सारा और हैदर मेरे बच्चे हैं, इसी तरह ये भी मेरे लिए। अल्लाह खुश रखे इसे। सुन रही हो दिलनशी, कितना प्यार करती हैं आंटी तुमसे। एक बात याद रखना, इसी घर में तुमने जीना है और इसी घर से तुमने मर के निकलना है। आंटी इजाजत, बस आप लोगों की याद आ रही थी तो आ गया इस तरफ अचानक। मगर इतनी जल्दी भी क्या है, खाना खा के जाना। इंशाल्लाह अगली बार। चल जैसे तुम्हारी खुशी, जाओ बेटा भाई को गाड़ी तक छोड़ कर आओ। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया तुम्हारा। बात सुनो दिलनशी, मुझे आज ही पता चला है विदा के आने का। एक बात याद रखना, अगर तुमने उस लड़के के साथ ताल्लुकात बनाए, मुझ पे ये साबित हो गया तो मैं तुम्हें मारकर खुद जेल चला जाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि हैदर के साथ निभाने की कोशिश करो, समझी? सब यही दवाएं दी जा सकती हैं। इन दवाओं से कोई खास मर्ज की शिद्दत में कमी तो नहीं होगी, अल्लाह की रजा हुई तो जिंदगी के दिन बढ़ जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैंने शायद से भी बात की थी कि दुनिया में कहीं भी अगर कोई पॉसिबिलिटी है
मैं ले जा सकता हूँ अपनी माँ को, मैं कुछ भी कर सकता हूँ उनके लिए। देखिए वो आपकी मर्जी है, मगर इस उम्र और जिस तरह की कंडीशन में वो हैं, दर बदर करने वाली बात हो सकती है। इस शहर में ही कई ऐसे अस्पताल हैं जहाँ आप जाएंगे तो आपको गुमान होगा कि ये शायद यूरोप या अमेरिका का कोई हाईटेक हॉस्पिटल है। अगर दुनिया में कोई जदीद डेवलपमेंट होती है इस इलाज के लिए तो हमें इसका पता लग जाता है, और आप अपने मरीज को जाहिर है कि रिकमेंड करते हैं उस बारे में। अगर मुझे पता हो तो मैं आपको बिल्कुल कहूँगा कि आप उन्हें ले जाएं, मैं रिकमेंड करूँगा आपको इस बात के लिए। अब तुम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करो। जीते रहो बेटा, खुश रहो। लो कहीं हैदर का फोन ना हो, कोई जरूरी काम हो। जी। आप देख रहे हैं हैदर साहब, यह है ब्रेन ट्यूमर। उनका बीपी जरा सा भी हाई होता है तो ब्लड क्लॉट्स फौरन इसको हिट करेंगे, और इसको हिट करने का मतलब सडन डेथ। मैं तो आपसे यही कहूंगा, जितना भी मुमकिन हो किसी किस्म की भी कोई टेंशन वाली बात या जिससे कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो वो नहीं होनी चाहिए। ये मेरी आपको ताकीद है, ब्लड प्रेशर किसी भी सूरत में नहीं बढ़ना चाहिए, और इसके लिए आपको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अरे उसने इतने प्यार से तुम्हें सलाम किया और तुम हो के अम्मा के पास भागे चले आ रहे हो। अच्छा आज बैठ जाओ। हैदर, वो जो तस्वीरें तुम्हारी शादी के एनलार्ज होने को दी थी वो आखिर कब देगा? मैं तो बेचैनी से इंतजार कर रही हूं। मैंने तो सोचा है सारे घर में तुम दोनों की तस्वीरें लगाऊंगी, और वो जैसे पुराने जमाने में नहीं होता था राजे महाराजों की बड़ी बड़ी तस्वीरें, वैसी एक तस्वीर लाउंज में लगानी चाह रही हूं। पता तो करो उनसे। हाँ क्यों नहीं, जो आपका दिल आए करें। एक्चुअली मैं भूल गया था, मैं
कल करता हूँ उसको कॉल, कहता हूँ कि जल्दी बना दे हमारी पिक्चर्स। दिलनशीन, कुछ दवाइयाँ हैं ये सुबह शाम देनी है, खाने से पहले है। उसने सारे डिस्क्रिप्शंस में लिखी हुई है। वो चक्करों वाली दवा है? जी माँ, वो भी है। हाँ ये अलबत्ता, अगर कमजोरी हो रही हो तो दिन में 2 से 3 मरतबा, ज्यादा फील हो तो 4 दफा भी पी सकते हैं। ओके ठीक है। द रियल पॉइंट इज ये ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करना बहुत जरूरी है, मॉनिटर करना होगा हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और याद से लिखना भी होगा। मैनेज कर लोगी? अब किसी नर्स को रखो। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगी। अरे बेटा जरा से चक्कर आ रहे हैं, उसके लिए क्या नर्स रखनी। जी मैम, अमल कब तक थी रात में? काफी देर तक थी, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, अगर ऐसी ही कोई बात हुई तो मैं बाबरा को सुला लूंगी कमरे में। हाँ, जैसे आपका दिल करे। दोस्त हैं,